हरियाणा के किसानों को SYL का पानी दिलवाने के लिए भाजपा एक दिन का उपवास रखेगी। आपको बता दें कि जिला प्रशिक्षण प्रभारी भाजपा एवं लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने बताया कि हरियाणा के किसानों को SYL का पानी मिले, इसके लिए भाजपा के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आगामी 19 दिसंबर को जिला सचिवालय पहुंचकर एक दिन का उपवास रखेंगे। वे वीरवार को स्थानीय रेलवे रोड स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किसान हित में किए जा रहे एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम में अधिक से अधिक कार्यकर्ता शामिल हों, इसके लिए कार्यकर्ताओं की बैठक कर ड्यूटी लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में अनेक किसान हितैषी फैसले लिए हैं और किसान हित में रबी और खरीफ की फसलों की MSP पर खरीद के साथ साथ बागवानी से संबंधित सब्जी की फसलों के नुकसान को कम करने के लिए भावांतर भरपाई योजना लागू की है। इसके अतिरिक्त सूरजमुखी, बाजरा और मक्का की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने के साथ साथ कपास की भी MSP पर खरीद की योजना बना रही है। यही नहीं, किसान को फसली ऋण भी न्यूनतम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है और किसानों के लिए बिजली की व्यवस्था भी 24 घंटे के लिए की गई है। ये सभी बातें किसान हितैषी होने का स्पष्ट प्रमाण देती हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा आगामी 21 व 22 दिसंबर को मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करेगी ताकि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर सके और सरकार द्वारा किसान हित में लिए गए फैसलों की जानकारी किसानों को दे सके। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी 26 दिसंबर को करनाल की सब्जी मंडी में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और किसान सम्मेलन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि अध्यादेशों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर विधायक हरविंदर कल्याण, विधायक राम कुमार कश्यप, जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, करनाल नगर निगम की मेयर रेणु बाला गुप्ता व सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी आदि मौजूद रहे। जी डॉक्टर साहब, आज बताइए क्या विषय क्या था बैठक का? भारतीय जनता पार्टी जिला करनाल के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, विधायकगण और जिला अध्यक्ष जी के, योगेंद्र जी के अध्यक्षता में अपने सभी 17 मंडलों के मंडल अध्यक्ष और मोर्चों के अध्यक्ष, सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। आज की बैठक के दो तीन विषय प्रमुख थे। एक, पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी 19 दिसंबर को सभी 22 के 22 जिला मुख्यालयों पर, जिला के हमारे जो लघु सचिवालय हैं वहाँ पर एक दिन का उपवास SYL को लेकर के, क्योंकि SYL हरियाणा की जीवन रेखा है और ऐसे हमारा जो दक्षिणी हरियाणा है जहाँ पर पानी की बड़ी जो किल्लत है, हमारे वहाँ पर किसान जूझते हैं, तो पंजाब से पानी हरियाणा को मिले जिसका सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के हक में जो फैसला किया, तो केंद्र सरकार उसको लागू करे और पंजाब सरकार उसको देने में कोताही ना बरते। इसके लिए पूरे प्रदेश भर में 19 तारीख को सभी हरियाणा के जो जिला के लघु सचिवालय वहाँ पर एक दिन का उपवास सभी कार्यकर्ता रखेंगे। दूसरा, पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मेलन करने जा रही है और उसमें जो 3 अधिनियम, जो कृषि सुधार अधिनियम मैं कह सकता हूँ, जो किसानों की आय दोगुनी हो, किसान हमारा हिंदुस्तान का खुशहाल और समृद्ध हो, उसको लेकर के इन अधिनियमों के पक्ष में पूरे प्रदेश भर में किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो आज उसके करनाल का जो किसान सम्मेलन हमारा होगा वो सब्जी मंडी उसका स्थान तय किया है, तो उसकी तारीख 26 दिसंबर को सुबह 10 बजे वो किसान सम्मेलन इस जिला के नाते करेंगे। इसके अलावा अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर योजना, जिसके तहत हरियाणा के सभी मंडल अध्यक्षों के, जिला के अध्यक्षों का प्रशिक्षण हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और एक मास ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए कैडर और बढ़िया और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो, उसके लिए करनाल जिले के भी जो हमारे 17 मंडल हैं 5 विधानसभा क्षेत्र के, उसके फिलहाल वैसे करने सभी मंडलों के अंदर हैं, लेकिन फिलहाल इस प्रकार कार्यक्रम की हमारी जो संख्या ज़्यादा है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव भी हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी वहाँ भी लगी हुई है, तो उस चीज़ को देखते जितने हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं 5, उन सभी 5 विधानसभा क्षेत्र एक एक मंडल का प्रशिक्षण शिविर, उसकी योजना बनी है 21 और 22 तारीख को
ये पांचों विधानसभा के पांच मंडलों के अंदर जो है ना इसकी रूपरेखा तय की है और सभी कार्यकर्ता इसमें लग करके इस सारे कार्यक्रमों को सफल बनाने का काम करेंगे। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, हमारे जो और नेता वरिष्ठ नेता गांव में संगोष्ठी करके और इन अधिनियमों के पक्ष में जो किसानों के फायदे के लिए हैं और इन सारी बातों को लेकर के जनता के अंदर किसानों के बीच में जाने का काम करें। डॉक्टर साहब, किसानों के बीच बार बार बीजेपी के लोग जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके किसान जो है ना सहमत नहीं है कहीं भी सरकार से, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप संख्या देखिए ना, हरियाणा पंजाब की अगर मैं बात करूँ कितनी आबादी है तो वहाँ संख्या कितनी है, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग जो है ना इसके पक्ष के अंदर हैं, क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये कानून जो है, अधिनियम जो एक्ट बने हैं, ये सीधा सीधा प्रदेश के जो सरकार है उसके भरोसे भी छोड़ दिया अगर वो लागू करे ना करे। जैसे पंजाब ने ये अपना कानून पास कर दिया, ये तो एक ऑप्शन केंद्र सरकार ने दी है। और मैं कह सकता हूँ जो हमारे किसान संगठन है जिन्होंने ये आंदोलन किया है, जो उनकी प्रमुख मांग थी APMC जो एक्ट है वो निरस्त ना हो, उनकी MSP के लिए कानून बने लिखित रूप में दे, ये हमारे केंद्र नेतृत्व में बार बार नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। नरेंद्र तोमर जी ने जो है ना किसान संगठनों के इस प्रस्ताव का मंजूरी देते उसकी भी हाँ भरी, हम लिख करके भी देंगे। इसलिए जो किसान जिन्होंने ये मांग रखी थी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उनका आंदोलन ये रंग लेकर के आया है, जिन्होंने की सारी मांगे केंद्र नेतृत्व ने मान लिया। मैं ये कहना चाहूँगा सभी किसान साथी इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए भी हमारी सारी मांगे पूरी कर ली, तो यही मैं कहना चाहूँगा। लेकिन किसान आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं उदासीन है किसानों को लेकर के। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं कह सकता 70 साल की आज़ादी के अंदर जो किसानों के भले की बात अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की, उनका जो फसली ऋण है उसका 18% से 11% किया, और हमारे जन प्रदेशों में सरकारें हैं वहाँ पर 0% भी फसली ऋण पे जो है ना जो ब्याज जो किया है कर्जे के ऊपर, तो किसानों के लिए बिजली 24 घंटे हरियाणा के अंदर हुई है। हरियाणा के अंदर जो है ना भवंतर भरपाई योजना किसानों की, जो सब्जी के ऊपर भी MSP तय करने का काम किया, और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पूरे देश के अंदर एकमात्र हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए केवल धान और गेहूँ ही नहीं, पंजाब के अंदर केवल धान और गेहूँ की जो है ना खरीद MSP पर होती है, लेकिन हरियाणा के अंदर तो बाजरा 21.5 रुपये मनोहर सरकार खरीद रही है, सूरजमुखी MSP पर खरीद रहे हैं, सरसों MSP पर खरीदी है, अभी कपास भी खरीद रहे हैं, मूँगफली के लिए भी हाँ भरी है, चना MSP भी खरीदा है, मक्का जो बरसाती मक्के की जो है ना कमिटमेंट मुख्यमंत्री जी ने की थी वो भी जो है ना MSP खरीद रहे हैं। इसलिए हरियाणा के किसानों को तो मैं कह सकता हूँ इस आंदोलन से जो ऊपर की भी मांग उनकी MSP की और जो है ना मंडी सिस्टम को बरकरार रखने की जो हामी भरी है, तो जश्न मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। कल आत्महत्या की है सिंगड़े वाले बाबा जी ने गुरुद्वारा प्रमुख ने, उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? मैं वहाँ पर इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता ही, तो क्या विषय कैसे है, कैसे उन्होंने आत्महत्या की, इतना कहना चाहूँगा ऐसे समाज सेवी जो समाज को मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, तो उनके इस देहांत पर दिवंगत होने पर मैं उनको भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, इतना मैं कहना चाहूँगा उनके बारे में। डॉक्टर, रोकी मित्तल के बारे में कुछ कहना चाहोगे? कुछ 6 साल सरकार से मलाई चाटता रहा, वो बुराई कर रहे सरकार। देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार के आपने ये शब्दों से भी जो प्रश्न किया है, ये अब अपने विवेक से सब कुछ जानते पहचानते, आप सारे सूझबूझ वाले लोग हैं, आप लोग तो हमारा आईना हो, हमारे जो पत्रकार हमारे आईना है, समाज में जो भी घटित हो रहा है वो आप लोग हमें भी उसका मार्गदर्शन जो देने का काम करते हो, और आपके बताई ही बातों के ऊपर भी हम बड़े सीरियस लेकर के उसको भी क्रियान्वयन करने का काम करते हैं कामों के। और आप कार्यकर्ताओं को कोई अपील करना चाहोगे उस बारे में? मैं यही अपील करना चाहूँगा, जो केंद्र सरकार की जो योजनाएँ हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएँ हैं, हम सब स्वयं जो है कार्यकर्ता के नाते संगठन के ऊपर का धनगढ़ बन करके, सरकार के नाते मनोहर लाल जी बनकर के और केंद्र में मोदी जी बनकर के उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि इतनी कल्याणकारी योजनाएं हर वर्ग के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, उद्योगपतियों के लिए, हर वर्ग का अगर कल्याण की अगर योजनाएं चलाने का काम किया तो मनोहर सरकार ने, मोदी सरकार ने किया। आज का एजेंडा था हमारा परसों आने वाली 19 तारीख को SYL के मुद्दे को लेकर एक
एक दिन का शांति की उपवास रखा गया है जो कि सेक्टर 12 में होने जा रहा है। ये उपवास सारे हरियाणा के अंदर 22 जिलों में होगा और उसके बाद 21 और 22 तारीख को हमारे यहाँ एक प्रशिक्षण वर्ग लगेगा जो 5 की 5 विधानसभाओं में एक एक मंडल में लगेगा। उसके संदर्भ में भी हमारे जो प्रशिक्षण प्रमुख हैं, जिला के प्रभारी हैं और जो किसान सम्मेलन है उनके प्रदेश के संयोजक हैं डॉक्टर पवन सैनी जी, वो बैठक लेने आए हुए थे। हमारे माननीय विधायकगण, पूर्व विधायक और हमारी पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष उसमें उपस्थित थे, तो इसी के संदर्भ में आज की बैठक रखी गई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.